हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा से युवाओं में उत्साह है। इसी योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की तरफ से टीकरी में उनके निवास स्थान पर कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के लिए ऑनलाइन निःशुल्क भरवाए गए। कैंप की विस्तृत जानकारी देते हुए खेल मंत्री के भाई लेफ्टिनेंट बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में युवाओं की मदद करने के लिए तैनात टीम ने उनका पूरा मार्गदर्शन किया है। लगभग 200 से अधिक युवाओं ने प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप लगातार जारी रहेंगे। लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया है। साथ ही परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार ऐसे लोगों का डेटा एकत्रित कर रही है जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं और उनको रोजगार की जरूरत है। इससे पहले तो मैं सभी अपने जो मेरे भाई मित्र यहाँ पे आए उनका धन्यवाद करता हूँ, और ये सीएम साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। 75% आरक्षण हमारा हरियाणा के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है डोमोसाइल पे, और मैं ये कैंप अभी तक 120 लोगों ने इसमें आवेदन भर दिए हैं और उनका ऑनलाइन हो चुका है, और लगभग 200 के करीब आए हुए हैं, बाकियों का भी शाम तक हो जाएगा। और मैं आप लोगों के थ्रू एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों बाद मैं फिर कैंप लगाऊंगा, मैं डेट दे दूंगा, और प्लीज़ ये मुफ्त कैंप है, आइए और भरिए और आपको जॉब्स मिलेंगी। मेरे और संदीप की तरफ से आपको ये यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए और यहाँ पे आके भरिए। धन्यवाद। और मैं धनौरा से आई हूँ। यहाँ पे जो हरियाणा सरकार ने जो 75% में आरक्षण दिया है जॉब के लिए युवाओं के लिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। और जिस तरह का खेल मंत्री संदीप जी ने ये यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हर टाइम ये होता रहे, मतलब अगली बार भी मौका दिया जाए। इससे युवाओं के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी प्रोग्रेस होगी उसमें, और ये बहुत हेल्पफुल है हम सबके लिए।